नमस्कार प्राइम ओडिशा को स्वागत बुलेटिन को नबा किंतु प्रथमे देखि नबा हेडलाइंस खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। सोमयं घरे पहुंची तदंत कला परला कमिटी पुलिस सह क्राइम ब्रांच टीम सोमयं बासभवन को क्राइम स्पॉट बोली कहला क्राइम ब्रांच सामना को आसला विद्या भारती एक चिठी सोमयं विरुद्ध विद्या विशोदगार परला कमिटी हॉस्पिटल रे होइतला कि सहकारी वन संरक्षक सौम्यरंजन महापात्र हत्यार षड्यंत्र अर्गस हाथ में लगी एक्सक्लूसिव विजुअल हॉस्पिटल रूम रे डाक्टर मानक आलोचना करथिले डीएफओ संग्राम केसरी बेहरा पर 400 किलोमीटर दूर कटक रेफर करागला सौम्यरंजन को क्राइम ब्रांच रो क्राइम स्पॉट को नहीं उठला प्रश्न। राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजन अनियमितता केन्द्रमंत्री पीयूष गोयल को भेटिला बीजेपी टीम गत वर्ष 44,000 मेट्रिक टन चावल उठाई ना सरकार चावल न उठाइबार कारण कौन बोली प्रश्न कला बीजेपी। कहीं ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक कमुना संक्रमण आईएलएस निर्देशक अजय परिडा कहले एवं मनीष देह मासे पर्यंत सक्रिय रहुची वायरस ओडिशा रे 93% लोक डेल्टा वायरस द्वारा संक्रमित स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र कहले राज्य स्थिति भल अच्छी तीनटी जिला चिंता बढ़ाऊ। संसद रे सीमा लंघिले टीएमसी सांसद मंत्री सह कले दुर्व्यवहार आईटी मंत्री अश्विनी बैष्णव पेपर छड़ाई नहीं चिरिले गृहर उपसभापति उपरकु फिंगिले घटना को निंदनीय कहला बीजेपी। केन्द्रापड़ा रे सांबादिकंकु पुलिस माड़ मारिबा घटना तातिले केन्द्रापड़ा सांबादिक पांच विधायकंकु जिलापालंक कार्यालय रे पकाइले तला पुलिस कांस्टेबल का गिरफ दाबी रे नाराबाजी और प्रतिवाद। गंगाजी महाप्रभु अधरपड़ा नीति रथारूढ़ दियमानंक पाखरे स्वतंत्र शैली निर्मित अधर उच्च माटी हांडी रे परसा जाउची पणा आसंता काले चतुर्धा मूर्ति नीलाद्री विजय नीति। सोमयं रहस्यजनक मृत्यु घटनारे सामना को आसी आउ एक चिठी जो थे सोमयं को घृणा करने डिवोर्स चाहती विद्या सेपटे परला खेमुंडी सोमयं सरकारी बासभवन को ही क्राइम स्पॉट कही क्राइम ब्रांच केन्द्रांचल डीआईजी घटनास्थल परिदर्शन कर सठिक तदंत नहीं प्रतिश्रुति देखते सामना को आसला विद्या भारती आउ एक चिठी सौम्यों विरोध में विद्या विषोदगार चिठी खोलीदेला विद्या डबल स्टैंडर्ड प्रथम चिठी में क्षोभ द्वितीय चिठी में क्रोध एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलें विद्या भारती ये हूँ द्वितीय चिठी जो सौम्यों विरोध में विषोदगार कर विद्या कहते हे भगवान किसी भी कर डिवोर्स कराई दि प्रभु तुम पाखे ऋणी हो रहीजी जाकि पूरी मंदिर ने दासी हो रही किसी भी कर प्लीज डिवोर्स कराई दि बुधवार सौम्यों सरकारी बासभवन एमती एक कमला रंगर चिठी मिले गणमाध्यम विद्या सौम्यों भल संपर्क कहता बेले चिठी एमतीका घृणा विद्या डबल स्टैंडर्ड सामना को आनी हे भगवान किसी भी करके डिवोर्स कर दिंतु प्रभु प्रभु जीवन सारा तो पाखरे ऋणी रही पूरी जाई पूरी मंदिर रे देवदासी होई की सेवा करी माने यही एक्सटेंड पर्यंत विद्या घृणा करुले सौम्यरंजन को जदि गोटे लोकर घृणा करुची तार का मोटिव स्ट्रंग हो ना जे ये केस रे ताकु हत्या करथाई पारे बोली जो कथा से कहुची यही घरे पोड़गले किंतु पोड़बार जहाँ सर्कमस्टांस रहा कथा सी यदि किसी मिलूना ताल कौन तार मोटिव को सेटा सफिशिएंट होना जे से मिछ कथा कहुची बोल कि पारला खेमुंडी पुलिस सह क्राइमब्रांच टीम पहुंची आज सौम्यों घर तदंत कर घटनास्थल रोसे घर घर चारिपाख तथा झरका पाख भी बुले देखिले हेले प्रकृत सौम्यों देहरे किभली निया लगिला से नहीं पार्टी फिटाई कहीना तदंतकारी टीम
तेरे तदंत बेले पारला खिमुंडी रे थिबा सौम्यंक बासभवन को क्राइम स्पॉट बोली स्पष्ट करुछि क्राइम ब्रांच। घटनास्थल परिदर्शन परे तदंत सठिक ढंगरे चालथबा कहिछंती दक्षिणांचल डीआईजी। जति कि प्रथम दिन रो वर्तमान पर्यंत जति कि तदंत हेछि सटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस हेछि। हमें आशा करछु बहुत शीघ्र जणा पड़िबा जे कोन घटना हेछि। ता छड़ा विभिन्न गुरुत्वपूर्ण सुराग भी आम हाथ में अच्छे जमीती कि जो आम टीम जाइए से गुड़ाए तथ्य आम हासिल करता अन्न्य जो इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया अच्छे से आमको किसी गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली तो वर्तमान आम तदंत ठीक हिसाब से आगे जाऊँगी और किसी दिन भितर डेफिनेटली जना पड़े कौन है घटना। क्लदिंग्स रेमिनेंस पोड़ा रेमिनेंस घर भितर अच्छे तेनाली कनक्लूजन बाहर सैड देख लु जमी किसी डिस्टर्ब सैट किसी ना स्पॉट किसी ना घर भितर ही स्पॉट किसी लेटर्स जो मिसेस लिखी थे पार्टी ट्रांसफर अफ हर हजबैंड से पाइचु बाकी किसी लेखा भी जोड़ा दस्खत है किसी मिली। अच्छा एने डीएफओ को लिंक किसी सर बर्तमान सुधा जेहतु मुख्य अभियुक्त आम तो स्पॉट देख लु आमे से जो बटल थिला गोटे लीटर माने बटल थिला किरोसिन थिला सेडा आमे इन्वेस्टिगेशन रे आसुजी कल्ला पर सुनंतु एबे इन्वेस्टिगेशन चली जी सब जिंस कहिबाटा ठीक हेबनी आमे फाइनली आपनकु सब कहबो। हाँ किरोसिन सह बटल थिला किरोसिन सेत्रु किछि जाइतला ओ थिला। सौम्यंक दशाह कर्म करिछंती परिवार विद्यांक अनुपस्थिति को नै प्रश्न उठाइछंती सौम्यंक बापा। ओ पो जकल जाय छी पो बापो पय हवा कटा छी बापो पो पय होछी या सुन आसु छतर मोर के जा पति नै ये सर्वंत्र करी मो पो को मार छी हम मोर को जे आज भी कहू छी जीवन रे एमिति घटना आज जो मते घटना मिलला मो जे बोल न के बेफु खेमुंडी एसएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु रे विद्यांक भूमिका संदेहजनक मिलता चिठी व दशाह कर्म विद्यांक अनुपस्थिति संदेह को करिछि घनीभूत। प्रश्न उठुछि विवाहर मात्र 6 मास भितर स्वामी को पाई एते घृणा एते तिक्तता केमिति आसिला कौन पाई सौम्यंक ठारु अलगा हेबा को चाहुथिले विद्या निया लागिला बेले कौन करुथिले विद्या भारती। पारला खेमुंडी रु संतोष जेना व जितेंद्र बारिक सह सिमुलिया रु मनोज प्रधान रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बरला खेमुंडी हॉस्पिटल रे होइथिला कि सहकारी वन संरक्षक सौम्यरंजन महापात्र हत्यार षडयंत्र अर्गस हाथ लगी एक्सक्लूसिव विजुअल हॉस्पिटल रूम रे डाक्तर मानंक सह आलोचना करथिले डीएफओ संग्राम केसरी बेहरा तापर 400 किलोमीटर दूर कटक रेफर करागला सौम्यरंजन को पुणी बाटर आंबुलांस भी अटकिला सेपटे घटना सौम्यंक घर भितर घटी क्राइम ब्रांच ऑफिसर कही बेले भी उठी प्रश्न मिलीमिशिकी मारिदेले कि सौम्य हत्या घटन बड़ खुलासा हस्पिटाल होता कि षड़यंत्र ए दृश्य बढ़ाऊ संदेह पारला खेमुंडी हस्पिटाल डीएफओ संग्राम केसरी बेहरा डाक्तर मानक सहित आलोचना करछंती संग्राम केसरी बाहर सौम्यंक पत्नी विद्या भारती संकटापन्न अवस्था रे सौम्यरंजन यहाँ सौम्य को 400 किलोमीटर दूर कटक रेफर करा जाउची हेले 200 किलोमीटर दूर विशाखापाटना पठा जाऊना ही सौम्य को पुणी डीएफओ घर सामने अटकुची आंबुलांस अभियोग हिसाब रे ए स्थान रे आंबुलांस को 30 मिनिट रु अधिक समय अटकाई रखिथिले गुरांडी थानार ओआईसी। एबे बड़ प्रश्न विशाखापाटना न पठाई काहेकि पठागला 400 किलोमीटर दूर कटक केसीबी काहेकि ओआईसी ममता पंडा अटकाइले आंबुलांस से अंचल ओआईसी न हो काहेकि आसीथिले ममता पंडा ये बड़ षड्यंत्र नुहे कि डीएफओ व विद्या भारती भितर अनैतिक संपर्क अभियोग आौम्य परिवार लोके बाहर है जदि बाहर हो आम स्वामी स्त्री संपर्क रही ना मत आस पुह कहला मत मना कल कहला ना मुझे भल पाई भुवनेश्वर पीसा आठ रही था पीसा आठ तीन चार दिन रही आसला पाटमुंडी पाटमुंड घर भितर शखा चुड़ी भांगी मुंडू सिंदूर पोछी पोछिकी पलि जाइए ये जाए खोजी खोजला ये पाई नहीं जाए डीएफ घर ये कुकर्म देखी आम पु मत से फोन करी कर
कांदी सपटे बलांगीर रु भी बड़ खुलासा वन विभाग गाड़ी में भोजी करने को बलांगीर आसी विद्याभारती विद्याभारती एलआईटीसी बलांगीर में पढ़ुते एवं बड़ प्रश्न क्या गाड़ी में आसी विद्याभारती जीएफओ गाड़ी नुहे तो भोजी क्यों आ प्रथम एप्रिल 4 रे जो पुओटी मनोज नायक तार से चिकेन फिस्ट दे माने यूजुअली मेस मिल भितर से माने चिकेन आड कर देला ओके तो एप्रिल 4 परे एप्रिल 11 रे जेतेबेले आसिला सेतेबेले विद्याभारती से जो मिलटा को स्पन्सर करथिला स्पन्सर जेमते आज यूजुअल समस्त ट्रेन रे खाइबा कथा नै थिले किछि से मते बफर प्लेट आनीथिला जो माने ट्रेन न आनले बफर प्लेट रे नैकि जे जहा रूम को सो एप्रिल सही दिन एप्रिल 11 रे परीक्षा रिगार्डिंग मु कहूची पार्टी विषय रे सबटे क्राइम ब्रांच टीम आज सौम्यरंजन को सरकारी बास भवन को जाई तदंत आरंभ करछि घटना सौम्य को घरे होइतबा नै क्राइम ब्रांच पक्षरु कहा जाइछि जहां को नै उठिछि प्रश्न कि भले जेउ रूम रे सौम्य पोडी होइतिले से रूम रे पोडा जळार विशेष चिन्ह नाही कि भले सौम्य को चित्कार कहा को सुभा गला नाही हॉस्पिटल रे विद्याभारती को हाथ रे पोडा रो कोनोसी दाग नथिला परे कि भले आसिला विद्याभारती 13-14-15 कालराती बोली काहेकि लेखिथिले चिट्ठीरे 14 रे ही चाली गला सौम्यक जीवन सपटे सौम्यक बापाक वकील कहिसेंती अन्य जगह रे सौम्यक अन्य स्थान रे पोडा जाइछि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थिले एसडीपीओ थिले तांको सामने रे सेम देखिलु स्पॉट हाउस देखिलु एम त देखला पर जणा पला स्पॉट टाइम घरे हेछि कारण 9 फुट उच्चरे थिबा गोटे स्काईलाइट ऊपर जो लागितला प्लास्टिक रो मस्किटो नेट सेटा मेल्ट हे जाइछि कबाट्र किसी पोर्सन पड़ी गई थी और क्लदिंग्स रेमनान्स पोड़ा रेमनान्स घर भितर अच्छे तेना कनक्लूजन बाहर साइड में देखल जमी किसी डिस्टर्ब साइड किसी ना स्पॉट किसी ना घर भितर ही स्पॉट मिले मिसी मारिदेले सौम्यरंजन को प्रकृत दोषी को षड्यंत्रकारी को धरव तो पुलिस ना खसाई देवे पारला खेमुंडी कैमरा पर्सन हेमंत संतोष जेना जितेंद्र पारिक बलांगीर तरुण संघ रिपोर्ट अर्गस न्यूज रिया चक्रवर्ती विद्याश्री विद्याभारती स्वामी संदेहजनक मृत्युर संदेह रे ए तीन जन भूमिका जहार रहस्य खोली पारी पुलिस सस्पेंस भितर ए तीन मामला जहाँ अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करमलें विभिन्न दिगक दृष्टि रखिले ए तीन जन संदेह को आसुले भी पुलिस एवं सुधा से विरोध में कौन सी प्रमाण जोगाड़ कर विफल हो स्त्री स्वामी हरौंती से स्त्री माने ही जानते स्वामी रो मूल्य के स्वामी हरैर कष्ट के गोटे मसर कहीं मुझे कि एमती मो सहित इनसीडेंट हो निजी विधवा रूपे देखे सुशांत सिंह केस्रे फास्ट तो मत रिया चक्रवर्ती सहित कंपेयर करागला हेले किंतु सुशांत को मर्डर रे कि सुसाइड रे कोथरे भी तंको ना नहीं कि सेमती किछ बाहर को आसला नहीं विद्या भारती को दुखरे शामिल हेले विद्याश्री मानव प्रेमी आदित्य दास को विधवा स्त्री विद्याश्री रिहा और विद्या भारती को दुख से अनुभव करि परुछंती विद्या भारती को सह जहा घटुछि मो सह घटिथिला नारी होई नारी रो दुख बुझि परुछि काहे कि एमिति कहिले विद्याश्री तीन मामला रे की सामंजस्य रहिछि रिया चक्रवर्ती बॉयफ्रेंड तथा अभिनेता सुशांत सिंह को संदेहजनक मृत्यु मामला रे संदेह घेरे रिया को विरोध रे ड्रग्स नेबा सुशांत को अकाउंट रु 15 कोटी आर्थिक हेरफेर और सुशांत को हत्या षड्यंत्र भली अभियोग रही मुंबई रो बांद्रा अपार्टमेंट रे सेप्टेम्बर 2020 जून 14 रे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को संदेहजनक मृत्यु होइतिला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ओईडी रो जेरा परे सामना को आसीथिला संगीन तथ्य ड्रग्स और आर्थिक अनियमितता अभियोग रे सुशांत का गर्लफ्रेंड रिया और ताको भाई सौभिक चक्रवर्ती को गिरफ करथिला पुलिस मामलार तदंत करुथिबा सीबीआई को एबे सुधा कोनोसी खियो मिलि नथिबा बेले रहस्य घेर रे अभिनेता सुशांत सिंह को मृत्यु विद्याश्री मानव प्रेमी आदित्य दास को स्त्री आदित्य को संदेहजनक मृत्यु मामला रे संदिग्ध विद्याश्री आदित्य को परिवार विद्याश्री को षड्यंत्रकारी बोली कहिछंती या परे रेलबाई पुलिस और आदित्य को किछि बंधु को टारगेट करी फेसबुक लाइव करी आत्महत्या उद्यम करथिले विद्याश्री गत वर्ष जुलाई 7 तारीख रे भुवनेश्वर लिंगराज स्टेशन रेल लाइन रु आदित्य को मृतदेह मिलिबा परे ता आत्महत्या ना हत्या ताकुने चालिछि विवाद आदित्य को स झगड़ा परे घरु बाहरी आसीथिले विद्याश्री परे खोजा खोजी बेले लिंगराज स्टेशन कथा कहिथिले विद्याश्री आउ परे सेठारु किछि दूर रे मिलथिला आदित्य को मृतदेह
ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଜନକ ଭାବେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ତେବେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ମଜୁଦ ଥିବା ବେଳେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ସେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହଜନକ ଚିଠି ଏହି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏ ତିନି ମାମଲାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରହସ୍ୟ ଖୋଲିପାରିନି ପୋଲିସ। ସବୁଠି ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ତିନି ପରିବାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରକୁ ଯିବା। କାହିଁକି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ କମୁନାହିଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତର୍ଜମା। ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ମଣିଷ ଦେହରେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛି ଭାଇରସ। ଓଡ଼ିଶାରେ 93% ଲୋକ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ତେବେ ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଯାହାକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କାହିଁକି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ କମୁନାହିଁ ସଂକ୍ରମଣ, ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ମଣିଷ ଦେହରେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛି ଭାଇରସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଦେହରେ ରହୁଛି, ଏପରିକି ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଭାଇରସ ମଣିଷ ଦେହରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିଲା, ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଟିକାକରଣ ଓ ଭାଇରସ ଯଦି ରୂପ ବଦଳାଏ ତେବେ ଯାଇ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିପାରେ। ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ 65,000 ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ 96% ଲୋକ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 93% ଲୋକ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା। ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,000 ସାମ୍ପଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିଥିଲୁ ତା'ର 92% ହେଉଛନ୍ତି ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ। ତେଣୁ ଭାଇରସ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, କାରଣ ସେ ଡେଲ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। 2-3 ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଏବେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଆଗକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ। ସଂକ୍ରମଣ ହାର ସହିତ ଆଡମିସନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସରକାର ଯେଉଁ ଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଲୋକ ନ ମାନିବେ ସେଠି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର। ଯେତିକି ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ତା'ର ସିରିୟସନେସ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେକ୍ସିଂ ଆଡମିସନ୍ ଆଉ ଆମର ଭେଣ୍ଟିଲେଟରୀ ସପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଖରା ପଡ଼ିକି ଯାଉନୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିଛି ସେରୋ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 70% ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଟିବଡି। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସେରୋ ସର୍ଭେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦଙ୍କ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ କଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ତଥାକଥିତ ପେଗାସ ସ୍ପାଇୱେୟାର ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୟାନ ରଖୁଥିଲେ ଗୃହରେ, କିନ୍ତୁ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ଶାନ୍ତନୁ ସେନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ବୟାନ କପିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ପରେ ସେହି କପିକୁ ଚିରି ଗୃହର ଉପସଭାପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସଂସଦରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଚିରିଲେ ପେପର। ଗୃହର ଉପସଭାପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଚିରା ପେପର। ସଂସଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲିଲେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ଶାନ୍ତନୁ ସେନ। ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ବିଜେପି। ତଥାକଥିତ ପେଗାସି ସ୍ପାଇୱେୟାର ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ମାମଲାରେ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଜାରି ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଚରଣ ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଛି। ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପେଗାସିସ୍ ମାମଲାରେ ବୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଟିଏମ୍ସିର ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭୁଲି ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ହାତରୁ ବୟାନ କପିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ପେପରକୁ ଚିରି ଗୃହର ଉପସଭାପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ଶାନ୍ତନୁ ସେନ। Many over the top allegations have been made around this story. Honorable Chairman Sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Chairman Sir. ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଇ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରୟ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। और जब ये बंगाल में अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट की जान ले सकते हैं, महिलाओं के साथ में अत्याचार कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आज तो कागज फाड़ रहे, कागज छीना है, कल दिन कपड़े भी फाड़ देंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। ये कुछ भी कर सकते हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि सारे विपक्ष वालों को मिलकर के इनको समझाना चाहिए। द फेक न्यूज विच इज फ्लोटिंग अराउंड द ऑपोजिशन स्पेशली द मेंबर्स ऑफ टीएमसी and Congress will stoop so low as to, while being political opponents, they will do things to damage the reputation of the country. And today in the House, one of the members snatched the papers from the minister who was making a statement. ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଓ ବିଘଟନକାରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶ କେ ଖିଲାଫ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୁଛ ଲୋକ ରଚ ରହେ ହୈଁ ଔର ଉସ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେ ପିଛେ ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି ହୈ ଔର ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରନେ ଵାଲୋଁ କା ନରେଟିଭ ବି ହୈ। ସେପଟେ ପେଗାସସ୍ ସ୍ପାଇୱେର୍ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ମାମଲାରେ ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛି। ଏନ୍ଏସ୍ଓର ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରମାଣ ହାତ ଲାଗିଥିବା ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦାବି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଏବେ ନିଜ ବୟାନରୁ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛି। ଏନ୍ଏସ୍ଓ ପେଗାସସ୍ ସ୍ପାଇୱେର୍ ତାଲିକା ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିବା ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଦାବି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ତାତିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଞ୍ଚ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପକାଇଲେ ତାଲା, ଭିତରେ ବିଧାୟକ ବାହାରେ ସାମ୍ବାଦିକ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରିଲ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ବିଧାୟକ, ବାହାରେ ସାମ୍ବାଦିକ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ତାତିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଞ୍ଚ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପକାଇଲେ ତାଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହି ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଏବଂ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିନଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ବିଧାୟକମାନେ ଯିବା ପରେ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ବାହାରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ନାରାବାଜି। ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ପୋଲିସର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଶିକାର ଆମେ ହଉଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ବିଧାୟକ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏସ୍ପି କି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କନେଷ୍ଟେବଳକୁ ଆସିକି ଏଠି ଡାକିକି ଆମକୁ ଭୁଲ ବି ମାଗି ପାରିଲେନି। କାହିଁକି ଭୁଲ ନ ମାଗିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଚୁପ ହେଇକି ବସିଥିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଖୁସିର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ କୋହର କଥାଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟରେ
साधारण लोक किभ सुरक्षित प्राय देढ़ घंटा धरी एपरी स्थिति लग रही है। जिलापा आलोचना कर सांबादिक माड़ मरा घटन आग को कार्यानुष्ठान प्रतिश्रुति मिलवा पर हटि आंदोलन आम सांबादिक प्रतिनिधि मान सहित ग्रीभान शुणिलु से संपर्क में जिला प्रशासन सहित आलोचना मुताबक आम आलोचना खूब बर्तमान जाऊ आम जाऊ आलोचना करूँ जिला प्रशासन सहित आप जानवे कौन पदक्षेप जिला प्रशासन सहित तो मुझे आलोचना करूँ आम जाऊ समस्त कथा सौहृदयतार शुणीचु एवं ए संक्रांत आपण मानक जिलापा पाखे जो दाबीपत्र अच्छी दवापाई आम सहित आलोचना कर शुणतु तो जाऊ प्रतिनिधि मैंने जाते सहित जो आलोचना है मो कथा टे शुण दरकार तो एवं से जिलापा सहित आलोचना देखु कौन थी पूरा घटना केन्द्रापड़ार यह दृश्य कौटि ना कौटि पुणी थे सांबादिकों सुरक्षा को नहीं बड़ प्रश्न चिन्ह छिड़ा कर जड़े सांबादिकों हाथ उठाई माड़ मार साहस करपड़ा एसपी कार्यालय कार्यरत महिला कन्स्टेबल पीनू नायक सांबादिकों गाली गुलज करल को चापुड़ा मारूचिकों भूल थी एति महिला कन्स्टेबल जनक मास्क पिंधि नथिबार फोटो उठाई देते एहाकु केंद्र करी एही सांबादिकों उपरे उत्क्षिप्त होइतिले एही महिला कांस्टेबल जनक दलित परिवार को आक्रमण घटना रे बीजेपी पक्षरु गणधारणा दिया जाइतिबा बेले एही खबर संग्रह करबाकु जाइतिबा वेब मीडिया रो एही प्रतिनिधि को महिला कांस्टेबल माड़ मारिथिले एबे सांबादिक मानको दाबी संपृक्त महिला कांस्टेबल को विरोध रे एक्शन हेउ ताकु गिरफ करा जाउ सबटु बड़ प्रश्न होला ए सांबादिक को काहे कि माड़ मारिला पुलिस पुलिस बोली कौन आईन हाथ को नहीं पारे पुलिस कथार न चलिए कौन हाथ उठाए जदि सांबादिक भूल करते कहीं गिरफ्त कला नहीं पुलिस केन्द्रापड़ प्रभात लेंगा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय होगी प्राइम ओडिशार खबर को रखा किंतु श्रीक्षेत्र में चली महाप्रभुरा अधरपणा नीति किसी समय पर आपने देखिपारे तार सीधा प्रसारण नमस्कार।